नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। यहाँ बात करेंगे दोनों राज्यों की बड़ी खबरों पर, बताएंगे कैसे दुर्ग पुलिस ने निकाला हत्या के आरोपी का जुलूस, और रतलाम में सुदर्शन क्रिया करने से जेल में बंद बंदियों के जीवन में आया परिवर्तन। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहाँ गंजपारा में हुई हत्या के मामले में पकड़े गए आरोपियों को लेकर दुर्ग पुलिस का रिएक्शन सामने आया है। अपराधियों का जुलूस पुलिस ने निकाला है। बता दें कि आरोपी चंदू दुबे के साथ हिस्ट्री शीटर अजय दुबे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान चंदू दुबे ने बताया कि किस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि हत्या का मामला दुर्ग पुलिस के लिए चैलेंजिंग था, इसके लिए विशेष टीम बनाकर दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला मार्गदर्शन में आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया गया है। गंजपारा नाका चौक में 21 तारीख को एक मर्डर हुआ था, जिसमें चार लोग थे, जिसमें तीन लोगों की अरेस्टिंग कर दी गई थी। एक चौथा आरोपी अमिताभ चंदू दुबे, वो फरार था, जिसकी आज अरेस्टिंग की गई है। वो घटना करने के बाद में अपने चाचा अजय दुबे के पास में चला गया था, जिसे अजय दुबे जो है उसको कोंडागांव में छिपा कर रखा हुआ था, और पुलिस जो है लगातार उनको पकड़ने का प्रयास कर रही थी। और कल पुलिस उस टीम उसको पकड़ कर लेकर आई है। पूछताछ करने के बाद में उसने अपना घटना करना स्वीकार किया है, और चूंकि अजय दुबे भी षड्यंत्र में शामिल रहा है और आरोपी को छुपाने संसरा देने के आरोप में उसे भी गिरफ्तार किया गया है, और दोनों को जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। अजय दुबे कहाँ से पकड़ा था? अजय दुबे भी कोंडागांव से ही पकड़ाया था, उसके साथ में ही था वो, उसने ही उसको छुपा कर रखा हुआ था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां होटल नेट इन दुर्ग में उर्दू के प्रसिद्ध लेखक साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर उनकी 5 पुस्तकों का विमोचन किया गया, जिसमें लक्ष्मण की आंखें, 40 आदमी, मेढक की वफादारी, लाल किताब, ईद के दिन का बादशाह 70वीं जन्मदिन पर खास नजर आना रहा। इस खास मौके पर अलग अलग शहर से उर्दू के जानकार साहित्यकार, नाट्य मंचन कलाकार और खास हस्तियों ने शिरकत की। समुदाय से ऊपर उठ के कोई कार्य करता है तो वो व्यक्ति नहीं होता, व्यक्तित्व तो आ जाता है उसके अंदर, और वो पुरुष भी नहीं, महापुरुष का रूप हो जाता है वो। वैसे ही हमारे जमाल साहब छत्तीसगढ़ की धरोहर बन चुके हैं, और हमें उनका सम्मान करना चाहिए, और मैं उनका ऐसे बड़े भाई के रूप में बहुत सम्मान करता हूँ। मुझसे तो जो होगा मैं हमेशा करूँगा, और मैं यही गुजारिश करूँगा अपने इष्ट भगवान से कि हर जन्म में मुझे बड़े भाई के रूप में ये मिले और उनका हाथ मेरे ऊपर रहे, यही ऐसा करता हूँ, यही उम्मीद करूँगा रौनक जमाल साहब से। विमोचन है आज उनका, जो प्रोग्राम हो रहा है मैं बहुत खुशी से इसमें भागीदारीता निभा रहा हूँ, और उनका जन्मदिवस भी है। ऐसे पुरुष का जन्मदिवस मनाने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं कुछ अपना छोटा सा उनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ तहे दिल से। है कि आज हमारे रौनक जमाल साहब का जन्मदिन भी है और उनकी 5 पुस्तकों का विमोचन भी है, और हम सब उनको आज मुबारकबाद देने आए हैं। और ये सबसे बड़ी असर बोल लो या एक खुशी की चीज़ बोल लो कि पूरे देश से आज बड़े बड़े शायर यहाँ मौजूद हैं। ये उनकी उपलब्धि है जो उन्होंने पूरे देश में घूम घूम के शायरों के बीच में शायरी की है, उसका नतीजा है कि रौनक जमाल साहब को बड़े से बड़े लोग यहाँ पर मुबारकबाद देने आए हैं, और मैं भी उनको मुबारकबाद देता हूं, उनके जन्मदिन पर भी उनको मुबारकबाद देता हूं। माँ बाप की चाहे 10-10 औलादें भी हों तो वो सभी अजीज होती है, कोई कम छोटा बड़ा किसी भी माँ बाप से पूछेंगे कि कौन ज़्यादा अजीज है तो वो कुछ नहीं बोल पाएगा। इसी तरीके से चाहे वो शायर हो उसकी अपने हर गज़ल अच्छी लगती है, इसी तरीके से अदीब जो भी लिखता है उसको बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी जो ये 25-30 किताबें हैं, तमाम किताबें बहुत अच्छी है, और हमने इन किताबों को बहुत सोच समझ करके यानी ऐसे ही शाया नहीं करवा लिया, क्योंकि एक किताब को जब शाया करने के लिए बात होती है तो तकरीबन 200-500 कहानियों में से 100-75-80 कहानियों को सेलेक्ट किया जाता है, और उसमें भी 8-10 ही कहानियाँ ऐसी होती है जो शाकाहार होती है, हर कहानी शाकाहार नहीं होती। तो ये फैसला करना, और वो भी मेरे लिए ये फैसला करना कि मेरी किताब कौन सी बहुत अच्छी है, तो मैं बड़ा यानी आपने ऐसा सवाल पूछा कि दुविधा में हूँ। लेकिन आज जो 5 किताबों का इजरा हो रहा है, इसमें एक बड़ी मुनफरिद किताब है, 40 आदमी, हर कहानी का उनवान आदमी है, पत्थर का आदमी, मोम का आदमी, खुद्दार आदमी, बेगैरत आदमी, गुनवान आदमी, गद्दार आदमी, बेशरम आदमी। तो ये मैंने समाज के ऐसे 40 चेहरों को उठाया है, और उनको उठाना और उनके साथ इंसाफ करना बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए,
लेकिन मैंने कम से कम साल डेढ़ साल उस पर मेहनत की है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे उस किताब के लिए मेहनत करना पड़ा और 55-60 कहानियों में से 40 कहानियाँ मुझे सेलेक्ट करनी पड़ी, और मुझे 40 आदमी उसका नाम रखने के लिए मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल अड़ गया कि नहीं, इस किताब का नाम 40 आदमी होना चाहिए। उसकी वजह है कि जब मैं उसका पेश लफ्ज लिखने के लिए बैठा तो मेरी ये अली बाबा 40 चोर याद आ गए। तो मैंने अपने आप को अली बाबा तस्लीम किया, और जो समाज से 40 चेहरे उठाए हैं वो 40 चोर हैं हमारे समाज के। उनको इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं देवनागरी हिंदी में मिला रहा हूँ कि हिंदी के अदीब और शायर भी उसको समझ सके, पढ़ सके। तो आपने जो सवाल किया कि ये है, तो ये किताब किस लिए मुझे पसंद है, ये उसका मेरा जवाब है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सीनियर संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर रतलाम से, जहां सर्किल जेल में आर्ट ऑफ लिविंग शिविर आयोजित हुआ, जिसमें जेल के कई अलग अलग अपराधों में बंद विचाराधीन 20 से 25 बंदियों ने भाग लिया। शिविर में सभी बंदी सुदर्शन क्रिया करते रहे, जिससे सभी बंदियों के मानसिक तनाव में काफी सुधार आया। तभी से सभी बंदी शिविर में सुदर्शन क्रिया के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं। शिविर में आने से बंदियों के बर्ताव में परिवर्तन आ गया है। जब मेरा नाम लक्ष्मण खराड़ी, मैं 14 सितंबर 2022 से यहाँ जेल में हूँ। मैं शुरू आया सर, मैं 420 के केस में आया हूँ, और 420 क्या होता है मेरे को ये समझ में नहीं थी, और यहाँ आते ही मैं कैदी, मैंने कभी देखा नहीं था कैदी क्या होता है। मेरे अंदर जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्या बोलूँ क्या क्या होता था, मैं रात रात भर 3 महीने तक नहीं सोया था सर। फिर धीरे 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 मेरा वजन भी कम होने लगा, शरीर में इतनी कमजोरी होने लग गई कि एक बार मुलाकात करने गया तो मैं रास्ते में बैठा, फिर उसके बाद डबल लूट के गया, ऐसा होने लगा। फिर धीरे 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 ये आर्ट ऑफ लिविंग का सुना, सर ने नाम लिखा है मेरा जबरदस्ती, और मेरी इच्छा भी नहीं थी कि मैं जाऊँ आर्ट ऑफ लिविंग में, पर ऐसे ही आया। और सबसे पीछे लास्ट की स्टेज पर बैठा, मैंने बोला क्या करना है अपने बारे, तो सर मैंने 8 दिन तक कोर्स करा, हल्की सी मेरे को मुस्कान आने लगी मेरे चेहरे पर, मेरे को लगा कि नहीं यार कुछ तो है, देखते आगे क्या होता है। 10-15 दिन हमने सर फिर ऊपर भी करा, अकेले स्वयं ने करा, वहाँ भी थोड़ी एक बंदी से तू में हो गए तो वहाँ भी बंद कर दिया हमने। फिर ये सेकंड चालू हुआ तो फिर ऐसे लिखा नाम, मैंने बोला ठीक है। जब मैंने 4 दिन का कोर्स कराना तो सर मेरी जो मुस्कान चेहरे पे थी वो वापस पहले की जैसे हो गई। बस मैं इसी मुस्कान के लिए आर्ट ऑफ लिविंग सर को और अन्य सभी को धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। जय हिंद। 304B के केस में हूँ, 19 महीने से जेल में बंद हूँ। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का जो प्रशिक्षण हमारे यहाँ 6 दिन का जो हुआ था 1 महीने पहले, तो उसमें जब फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे कुछ रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ था, बट जब हमारे यहाँ जेल में रहते थे तो बंदी भाइयों से मतलब कुछ में हो जाती थी, तो ऐसे क्या है वो जब मानसिक तनाव ज़्यादा हो जाता है तो घर की परेशानी, वो तनाव जो रहता है मानसिक तनाव बढ़ जाता है, तो लड़ी झगड़े होते रहते थे। जब मैं सेकंड डे आया, मैं बोला कि यहाँ बेरिंग बैठे बैठे भी क्या करेंगे अपन, चले अपन देखा योग करके आते हैं। तो सूर्यदर्शन जो क्रिया की मैंने 6 दिन के शिविर में, तो उससे मुझे जो अनुभूति प्राप्त हुई, मेरे शरीर में जो ऊर्जा की नई अनुभूति प्राप्त हुई, तो एक नई ऊर्जा उमंग प्राप्त हो गया। तो फिर 1 महीने बाद अभी 4 दिन का शिविर लगा, तो मैं कंटिन्यू सूर्य नमस्कार डेली करता था, मेडिटेशन सूर्य नमस्कार प्रतिदिन डे टू डे करता था। तो जो 4 दिन का शिविर लगा था सर, तो उसमें इसमें तो एक नई क्या बताऊँ, अब बहुत ही ज़्यादा मतलब मानसिक तनाव तो कम ही हो चुका है, बट एक शरीर में नई ऊर्जा उमंग जागृत होगी, शक्ति की अनुभूति प्राप्त होगी। तो मेरा यही आग्रह है सभी बंदी भाइयों से कि अब जो अपन को 4 दिन का शिविर का जो ज्ञान प्राप्त हुआ और मेडिटेशन का जो अनुभूति प्राप्त हुई, वो अपन बेरिंगों में जाके बंदियों के साथ बांटे, ताकि वो भी दीप से दीप जलाएंगे तो नई एकता बढ़ेगी। तो मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करना चाहता हूँ। मुझे जाना गया था मेरे को, और सर ने मेरे को बोला कि अच्छा है कर लो, तो मैं भी ऐसे ही आया था, मैं चलो टाइम पास तो होगा जेल में क्या करें, ये सोच के यहाँ आया। और 8 दिन मैंने यहाँ पे किया सुदर्शन क्रिया वगैरह, और वास्तव में सुदर्शन क्रिया में बहुत शक्ति है, कोई देवी शक्ति है ऐसा मेरे को महसूस हुआ। 8 दिन के बाद फिर ये कार्यक्रम रहा 4 दिन का, 4 दिन फिर इसमें आया, तो इसमें भी बहुत मेरे को महसूस हुआ
कि वाकई में इसमें कोई देवी शक्ति है। मेरे को अधिकारी लोग को देख के भी चिड़चिड़ापन आता था कैदियों से, पर यहाँ आने के बाद मेरे को सबको देख के इतना वैसा कि अपने घर के वो वैसा लगने लग गया। बड़े सर, जेलर साहब, संतरी लोग, सबसे मेरे को बहुत प्रेम होने लगा और मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ है। धन्यवाद। बढ़ें और अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए प्रयास करें। अगर ये लोग सब लोग एक साथ रहेंगे रात में तो आपस में बातचीत जो होगी ना, वो निश्चित रूप से इनके व्यक्तित्व को और आगे ले जाएगी। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों का यह बुरा समय जल्दी से पूर्ण हो, आप लोगों की लाल फाटक से रिहाई के लिए आपका नाम पुकारा जाए और हमारे जेलर साहब आपको बाहर करें, ठीक है। मेरा नाम शैलन सिंह चौहान, मैं विगत 4 वर्षों से इस जेल के अंदर विचाराधीन बंदी हूँ। 302 का मेरे ऊपर धारा लगी, विचाराधीन बंदी हूँ 302 के तहत। मैं जब शुरू आया था यहाँ पे, तब मैं बहुत चिड़चिड़ा रहता था, बहुत स्ट्रेच महसूस करता था, बहुत तनाव महसूस करता था और दूसरे बंदियों से झगड़ा, चिड़चिड़ाहट, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब जेल प्रशासन ने हमें अवगत कराया कि आर्ट ऑफ लिविंग का कोई संस्था आई हुई है और उसमें आपको कोर्स करना है, तो मैंने उसमें रुचि ली। तब मुझे जब मैं पहले दो अभी तक इसके सेशन हुए हैं, पहले सेशन में जब मैं आया तो सुदर्शन क्रिया आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से यहाँ करवाई गई। उस वो आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से जो भी सुदर्शन क्रिया हमने करी, उसके अंदर जितना तनाव था, जितना स्ट्रेस था, वो मेरा जाता रहा और शरीर के अंदर जो अकड़न वगैरह रहती थी वो भी जाती रही। मैंने इसे कंटिन्यू रखना स्टार्ट करा, निरंतर चालू रखना स्टार्ट करा। फिर जेल प्रशासन ने हमें दूसरा एडवांस मेडिटेशन के बारे में अवगत कराया, तो मैंने उसके लिए भी एग्री हुआ, तैयार हुआ। और जब दूसरा सेशन किया तो मुझे ऐसा लगा कि जो पहले जो केवल तनाव ही गया था, अब तो ऐसा लगने लगा था कि बिल्कुल जो दूसरा एडवांस मेडिटेशन कोर्स करा उसमें ऐसा लगने लगा जैसे कि तनाव तो दूर की बात है, शरीर में कुछ है ही नहीं, पूरा खालीपन, एक उत्साह, एक आनंद, एक घर जैसा माहौल, ऐसा लगने लगा। चारों तरफ सुगंध आने लगी, चारों तरफ आनंद ही आनंद महसूस होने लगा। इतना स्ट्रेच और इतना सारा होने के बावजूद वो सारा कहाँ गया पता ही नहीं चला। और ये सब हुआ बिना गोली खाए और बिना किसी थेरेपी के, और केवल सुदर्शन क्रिया जो गुरुदेव के माध्यम से बताई गई थी उसका एडवांस कोर्स किया और मानो कि एक जादू सा हुआ और प्रसन्न चित पूरा मन हो चुका। आप जब से अंदर हैं तब से लेकर अभी तक आपके जीवन में कितना बदलाव आया? जब मैं बाहर था या मैं जब यहाँ आया था तब मैं काफ़ी चिड़चिड़ा रहता था और काफ़ी मुझ में ईगो था, काफ़ी मुझ में द्वेष भावना थी। लेकिन जब मैंने मेडिटेशन कोर्स करा तो द्वेष भावना तो जाती रही, ईगो जिसे बोलते हैं कि एक अहम, वो तक कहाँ विसर्जित हो गया पता नहीं चला। और आज मुझे ऐसा लगता है कि सब मेरे ये वसुधैव कुटुंबकम हो गया, पूरी दुनिया परिवार सी लगने लगी, अब किसी से द्वेष भावना नहीं है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।